एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जितना अमीर था, छोटा उतना ही गरीब। छोटा भाई बहुत दुखी था क्योंकि उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। छोटा भाई मदद मांगने अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भैया, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी भूख से व्याकुल हैं। कुछ पैसे या अनाज दे दो भैया। मुझे तेरी दुर्दशा पर बहुत तरस आता है, लेकिन मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। बड़े भैया, मैं आपका दिया हुआ धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। अरे वाह, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे खजाना मिल जाएगा और तू मेरे पैसे वापस कर देगा। लेने को ले लेगा, वापस कहां से करेगा। जा, चला जाए यहां से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। छोटा भाई अपने बड़े भाई के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन बड़े भाई को उस पर दया नहीं आई। उसने उसे कुछ नहीं दिया, दुत्कार दिया। छोटा भाई दुखी मन से वापस आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े आदमी ने कहा, इतने दुखी क्यों हो बेटा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर छोटे भाई ने अपनी व्यथा सुनाई। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम मेरा ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर छोटा भाई खुश हो गया और उसकी लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर उठा लिया और उसके घर पहुंचा दिया। बूढ़ा आदमी उसके काम से खुश होकर अपने घर के अंदर गया और एक बंद कटोरी में खाने की कोई चीज ले आया। वो कटोरी उसे देकर बोला, बेटा इस बर्तन में मालपुआ है, इसे लेकर तुम जंगल में जाओ, वहां तुम्हें एक चट्टान दिखाई देगी। चट्टान में एक गुफा है, गुफा के अंदर एक बौना रहता है, ये मालपुआ उसे दे देना, उसे मालपुआ बहुत पसंद है। इस मालपुए के लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन तुम उनसे धन मत मांगना। तब क्या मांगूंगा, तुम कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। मैं पत्थर की चक्की का क्या करूंगा, मुझे तो धन चाहिए, मैं भी अपने भाई की तरह अमीर बनना चाहता हूं। बस मैं जो कह रहा हूं तुम वही करना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े आदमी ने कहा। चक्की लेकर जब छोटा भाई बाहर जाने लगा तब बौने ने कहा, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, इस चक्की को चलाकर तुम जो कुछ मांगोगे वो चीज निकलने लगेगी और तब तक निकलती रहेगी जब तक तुम चक्की को बंद नहीं करोगे। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल कपड़ा डाल देना, सामान निकलना बंद हो जाएगा। छोटा भाई खुशी खुशी घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने चक्की को आजमाया। उसने चावल मांगा, फिर दाल मांगी। इस तरह खाने का ढेरों सामान उसे मिल गया जिससे उसके परिवार की भूख मिट गई, घर में खुशहाली आ गई। चक्की से निकला जो भी सामान बचा उसे वो अगले दिन बाजार जाकर बेच आया। इस तरह देखते ही देखते वो अपने बड़े भाई से ज्यादा अमीर हो गया। उसकी तरक्की देख उसका बड़ा भाई जलने लगा। मेरा भाई तो कंगाल था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। ये सोचकर उसने अपने छोटे भाई की अमीरी का राज पता करने के लिए रात को उसके घर में छिप गया और उसने उस चक्की को देख लिया। अगले दिन जब छोटा भाई बाजार गया तो बड़े ने चुपके से घर में घुसकर उस पत्थर की चक्की को चुरा लिया और अपने घर चला गया। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसी पत्थर की चक्की तो पहले से ही घर में है, तुम इसे क्यों ले आए। अरे ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है, इससे जो मांगोगी सब मिलेगा, अभी दिखाता हूं, लेकिन पहले अंदर से दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि ये चक्की चुरा के लाया हूं ना, अगर छोटा भाई आ गया तो फोल खुल जाएगी। घर में आटा नहीं है, आटा ही मांग लेते हैं। ठीक है, मैं अभी चक्की से आटा निकालता हूं। यह कहकर उसने चक्की को आवाज दी, चक्की चक्की आटा दो,
चक्की से आटा निकलना शुरू हो गया। चक्की चक्की रुक जा, अब और आटा नहीं चाहिए। लेकिन चक्की चलती रही चलती रही। उसके बार बार कहने पर भी चक्की नहीं रुकी। वो दरवाजा खोलकर बाहर नहीं जा पाए और घर के अंदर ही आटे में दबकर मर गए। एक नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब चरवाहा था। रामू को गाना गाने का बहुत शौक था। वो गांव की भेड़ बकरियों को चराने के लिए पास के जंगल में जाता था। जंगल बहुत हरा भरा था। रामू अपनी बकरियों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाता। शाम होने पर वो बकरियों को लेकर गांव वापस आ जाता। इस काम के लिए उसे बकरियों के मालिकों से रोज एक सिक्का मिलता था। सिक्का लेकर वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता। माँ, ये लो आज की कमाई। आ गया मेरा बेटा, तुझे भूख लगी होगी, पहले तो खाना खा ले। तभी रामू का छोटा भाई चीनू कहता है, माँ भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है। तुम भैया को ही खाना पूछ रही हो, मुझे नहीं। तू भी खा ले बेटा, मैंने तुझे मना तो नहीं किया। आखिर रामू हम तीनों के लिए ही तो इतनी मेहनत करता है। रामू और चीनू खाना खाने के लिए दोनों बैठ गए। रोज रोज मैं रोटी चटनी खा खा कर तंग आ गया हूँ। कोई मालपुआ या अच्छा भोजन नहीं बना सकती क्या? मैं ये खाना नहीं खाऊंगा माँ, नहीं खाऊंगा। मेरा बेटा दिन भर धूप में बकरियाँ चराता है, तब कहीं जाकर इसे एक सिक्का मिलता है। कम से कम हम तीनों को भरपेट भोजन तो मिल जाता है। आज खाना खा लो चीनू, मुझे कल की कमाई के पैसे मिलेंगे तो मैं माँ से कहकर कुछ अच्छा खाना बनवा दूंगा। दूसरे दिन रामू बकरियां लेकर चराने गया। उस दिन उसे रोज की तरह एक सिक्का मिला। वो सिक्का लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ ये लो आज की कमाई, आज चीनू के लिए कुछ अच्छा खाना बना देना। बेटा रामू, इस एक सिक्के से किसी तरह अपने घर का खर्चा चलता है। बना दो माँ। ठीक है। रामू और माँ की बात सुनकर चीनू खुश हो गया और माँ से बोला, माँ मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, खाना बन जाए तो बुला लेना। ये कहकर चीनू खेलने चला गया। अगले दिन जब रामू भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा, जिस पेड़ के नीचे वो बैठता था उस पेड़ को एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा है। ये देखकर रामू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि रामू को उस पेड़ से बहुत लगाव हो गया था। उसने सोचा कि मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये सोचकर उसने लकड़हारे को रोकते हुए कहा, लकड़हारे भाई, लकड़हारे भाई मेरी बात सुनो, पेड़ को मत काटो। लकड़हारा रुक गया और बोला, तुमने मुझे पेड़ काटने से क्यों रोका? अरे भाई, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए पेड़ काटने से रोका है। कैसी भलाई? कई साल पहले एक ऋषि ने एक चुड़ैल को श्राप दिया था। वो चुड़ैल इसी पेड़ पर आकर रहने लगी। जो भी व्यक्ति इस पेड़ को छूता है या काटने की कोशिश करता है, वो चुड़ैल उस व्यक्ति को जान से मार डालती है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से भाग जाओ, अगर वो चुड़ैल आ गई तो तुम्हें मार डालेगी। रामू की बात सुनकर लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए वहां से चला जाता है। तभी उस पेड़ की आत्मा प्रकट हुई, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अच्छे कार्य से खुश होकर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। पेड़ उसे एक घंटी देता है। उस घंटी को देख कर रामू हंसते हुए कहता है, ये घंटी मेरे किस काम की? ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इस जादुई घंटी से जो खाना मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। घंटी पाकर रामू खुश हो जाता है। अरे वाह, जादुई घंटी, धन्यवाद पेड़ महाशय। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? इस घंटी का इस्तेमाल दिन में केवल एक बार किया जा सकता है। पेड़ को धन्यवाद देकर रामू प्रसन्न होकर अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये तो एक मामूली सी घंटी है बेटा। ये मामूली घंटी नहीं है माँ, ये जादुई घंटी है। माँ इस घंटी से कहकर हम मनचाहा खाना मंगवा सकते हैं। अरे वाह,
तब तो बहुत मजा आएगा भैया। चलो खाना मंगाते हैं। बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? मैं स्वादिष्ट खाना खाना चाहता हूँ भैया। चीनू के कहने पर रामू घंटी बजाता है और घंटी बजते ही चीनू के लिए स्वादिष्ट खाना हाजिर हो जाता है। सचमुच इस घंटी ने तो कमाल कर दिया, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। एक दिन रामू को बहुत जोर से भूख लगी थी। वो दोपहर को ही घर वापस आ गया। उसने देखा कि चीनू ने पहले खाना मंगाकर सारा खाना खा लिया है। रामू ने जादुई घंटी उठाकर कई बार बजाया लेकिन कुछ भी नहीं आया। रामू को भूख के कारण गुस्सा आ गया। अगले दिन रामू जब भेड़ बकरियां चराने गया तो जादुई घंटी अपने साथ ले गया। इधर चीनू और उसकी माँ को जब भूख लगी तो वे घंटी ढूंढने लगे लेकिन घंटी नहीं मिली। तब वे दोनों रामू के आने का इंतजार करने लगे। रामू के आने पर माँ ने पूछा, घंटी नहीं मिल रही बेटा। घंटी तो मेरे पास है माँ। घंटी तुम अपने साथ क्यों ले गए? चीनू सवेरे से भूखा है, क्या तुम केवल अपना पेट भरना चाहते थे? तभी चीनू भूख के मारे जोर जोर से रोने लगता है। ये सब देखकर रामू को अपने किए पर पछतावा होता है और वो बोलता है, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं स्वार्थी हो गया था, अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। शिक्षा, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक मजदूर रहता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। एक बार मजदूर गांव के एक धनवान व्यक्ति के खेत में खुदाई कर रहा था, तभी अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। टन की आवाज हुई, मजदूर चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो उसे पीतल का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वो जल्दी जल्दी उस पीतल के टुकड़े के आसपास की मिट्टी हटाने लगा और थोड़ी ही देर में उसने टुकड़े के आसपास की सारी मिट्टी हटा दी। वहां पीतल का एक बहुत बड़ा खाली पतीला था। पतीला देखकर मजदूर बहुत निराश हो गया। उसने गुस्से में अपना फावड़ा पतीले के अंदर फेंक दिया और अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। भगवान, जब कुछ देना ही था तो कोई कीमती चीज देते, आपने बेकार का पतीला दे दिया। क्या करूंगा मैं इस पीतल के पतीले को? मैं तो अकेला हूं, इसमें तो कम से कम 100 आदमियों का भोजन बनेगा। मजदूर थोड़ा थक भी गया था और निराश भी था। उसने पतीले की तरफ देखा भी नहीं और आराम करने के लिए पेड़ की छाया में चला गया। सोचा थोड़ी देर पेड़ की छाया में चलकर आराम कर लूं। वो पेड़ के नीचे जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो बाकी का काम पूरा करने के लिए फावड़ा लेने पतीले के पास गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पतीले में कई फावड़े थे। उसने आसपास देखा लेकिन वहां कोई ना था। वो सोचने लगा, यहां आसपास तो कोई नहीं है, फिर इतने सारे फावड़े कहां से आए? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पतीले से सभी फावड़े बाहर निकाले और उनकी गिनती की। पूरे 100 फावड़े थे। तब उसने एक फावड़ा पतीले के अंदर फेंक दिया और देखते ही देखते पूरा पतीला फावड़ों से भर गया। मजदूर खुशी से झूम उठा। उसने पुनः गिनती की। पूरे 100 फावड़े थे। ये कोई आम पतीला नहीं है, ये तो जादुई पतीला है। इसमें कोई चीज डालो तो वो 100 गुना हो जाती है। मजदूर की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उस पतीले को अपने घर ले आया और घर पहुंचकर उसने एक फावड़ा फिर से उस पतीले में डाल दिया। पतीला फावड़ों से भर गया। सभी फावड़ों को उसने बाजार जाकर बेच दिया। इस तरह वह रोज एक फावड़ा पतीले में डालकर 100 गुना करता और बाजार जाकर बेच देता। इस प्रकार वो धनवान हो गया। एक दिन इस बात की खबर खेत के मालिक को हो गई। वो उसी समय आया और मजदूर को धमकाते हुए बोला, ये पतीला तुझे मेरे खेत से मिला तो इस पे मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। मजदूर ने पतीला खेत मालिक को दे दिया। खेत मालिक उस पतीले को अपने घर ले आया और अपने घर के सभी जेवर गहने उस पतीले में डाल दिए। पतीले में जाते ही सारे गहने जेवर 100 गुना हो गए। वो बहुत खुश हुआ।
इस तरह उसने कई बार जेवरों को पतीले में डाला और हर बार 100 गुना करके बहुत अमीर हो गया। उसकी अमीरी का राज किसी को पता ना था, लेकिन हर किसी को आश्चर्य था कि ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने 2 सैनिकों को पता लगाने के लिए भेजा। दोनों सैनिक छिपकर किसी भी वस्तु को 100 गुना करने वाले उस जादुई पतीले के रहस्य को जान गए और जाकर राजा से बताया। राजा तत्काल अपने सैनिकों के साथ खेत मालिक के पास आया। अरे मूर्ख, तूने इस जादुई पतीले के बारे में राज दरबार में सूचना क्यों नहीं दी? महाराज, ये तो मेरे खेत में मिला है। ये जादुई पतीला मेरे राज्य की जमीन से निकला है। राज्य की हर वस्तु पर राजा का अधिकार होता है, अतः इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस पतीले को राजमहल ले चलो। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने जादुई पतीले को उठा लिया और राजमहल ले आए। राजा उस मजदूर और खेत मालिक से भी ज्यादा लालची था। राजमहल पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने महल के सभी हीरे जवाहरातों को 100 गुना किया। इस तरह उसने कई बार उसे 100 गुना किया। उसके पास धन का बहुत बड़ा भंडार हो गया। एक दिन की बात है, राजा उस जादुई पतीले के पास पहुंचा और पतीले को देखते ही सोचने लगा, देखने में तो ये साधारण सा पतीला लगता है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे जादुई बनाता है? जादुई पतीले की परख करने के विचार से राजा उस पतीले के अंदर गया। पतीले को ठकठका कर उसकी जांच करने लगा। तभी उस पतीले के जादुई प्रभाव से राजा के 100 हमशक्ल राजा हो गए। ये देखकर राजा को घनघोर आश्चर्य हुआ। सभी राजा पतीले से बाहर आ गए। तब असली राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूं। ये कहकर राजा अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। राजा की बात सुनकर पतीले से निकले राजा के हमशक्ल सभी राजा बारी बारी से कहने लगे, इस राज्य का राजा तो मैं हूं, तुम राजा कैसे हो गए? राजा तो मैं हूं। मैं राजा हूं। चुप हो जाओ मूर्खों, राजा मैं हूं, तुम सब मेरे पतीले से निकले मेरे हमशक्ल हो। इस तरह सभी ने तलवार निकाल ली। सभी राजा आपस में झगड़ने लगे सिंहासन पाने के लिए। भयानक युद्ध छिड़ गया। सभी एक दूसरे को मारने लगे और अंत में सभी राजा सिंहासन के लालच में मारे गए और पतीले के भी टुकड़े हो गए। शिक्षा, हमें लालच से सदैव दूर रहना चाहिए।